रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है। जिंदगी अपनी ये खैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है। क्या तुमने सोहा की हालत नहीं देखी? कैसी हालत हो गई है उसकी? मैंने देखा लेकिन फिर भी मुझे उस पर रहम नहीं आया। मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी को भुलाना नहीं चाहते। इस सवाल का कोई तो जवाब होगा ना कि ये जावेद कौन है और क्यों तुम्हें फोन करता है? सारे लोग मेरी असलियत जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हुजूर आला आखिर है कौन। किससे बात करेंगे? भरत से। घर छोड़ने के बाद काफी परेशान, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा भी, इसीलिए शायद मुझसे मदद नहीं मांग। हेलो। हाँ, मैं इंस्पेक्टर चव्हाण बोल रहा हूँ। आप इतनी सुबह कैसे फोन किया आपने? मेरी दुर्गा देवी जी से बात कराइए। क्या बात है? दरअसल हमने कल रात कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें से एक आदमी ऐसा भी है जो अपने आप को दुर्गा देवी का रिश्तेदार बता रहा है। हमारा रिश्तेदार? यकीन तो मुझे भी नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अच्छा, क्या नाम है उसका, क्या रिश्ता बता रहा है वो? माँ, इंस्पेक्टर साहब का फोन है। हेलो हेलो। कह रहा है कि कल रात को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें से कोई एक है जो अपने आप को हमारा रिश्तेदार कह रहा है। अच्छा। हाँ। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम, हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, उसका नाम त्रिभुवन है, क्या आप उसे जानती हैं? मैं पहुंच रही हूँ। हाँ, पुलिस स्टेशन आ रही है। जी, मुझे फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। किसका फोन था? मम्मी इतना घबरा गई? पता नहीं, इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि कोई है जो अपने आप को हमारा रिश्तेदार कह रहा है, ये पता नहीं कि कौन है। अबूजान, आपको शमा की वापसी का इंतजार था और अब तो शमा भी वापस आ चुकी है, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप क्या सोचते हैं, इस जायदाद के मामले को इतना उलझा कर क्यों रखे हुए हैं? तस्कर, हमने किसी भी मामले को उलझा कर नहीं रखा है। ये जायदाद आखिर तुम ही लोगों की तो है, तो फिर इसका बंटवारा क्यों नहीं कर देते? किस काम की ये जायदाद अगर ये किसी के काम ना है? असगर, तुम कहना क्या चाहते हो कि अब्बू इस जायदाद का बंटवारा नहीं करना चाहते? नहीं भाईजान, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। इस जायदाद का क्या करना है यह फैसला अबू जान का है, किस तरह से बंटवारा करना है यह भी अबू जान को ही सोचना है। मैं यहां इसीलिए आया था क्योंकि कल फरहत का फोन आया था। फरहत कौन? जी अबू जान, वो बेहद परेशान है। अगर आप ये समझते हैं कि इस जायदाद में फरहत का भी कोई हक है तो वो हक उसे दे दीजिए। सही वक्त पर उसे वो हक मिल जाएगा तो उसकी मदद हो जाएगी। फरहत अगर परेशानी में है तो वो खुद भी तो अबू को फोन कर सकती है। तुम ये क्यों नहीं कहते
कि फरहत का नाम लेकर तुम अपने हक और बंटवारे की बात करने आए? आप गलत सोच रहे हैं भाईजान। दादा जान, चाचा जान ठीक ही तो कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ से जाने के बाद उफी जान परेशान होगी। आप जायदाद का बंटवारा कर ही दीजिए, इसी में ही सबकी भलाई है। नहीं शमा, अभी उसका वक्त नहीं आया है, क्योंकि इस खानदान के खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई और उसकी एक वजह ये जायदाद भी है। और जब तक सारे मामले खुलकर सामने नहीं आ जाते, मेरा ऐसा मानना है कि इस जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन चाचा जान, तुम नहीं समझ रही हो शमा। जहां तक मैं देख रहा हूं, शायद तुम नहीं देख पा रही। मैंने अब्बू को भी यही बात समझाई कि ये हुजूर आला, हम निवाला, हम प्याला हमारे बीच का ही। जानना चाहती हूँ हमारे हुजूर आला कौन? खैर इतना बता देता हूँ कि हमारे हुजूर आला हर बात में हुजूर आला, हम निवाला, हम प्याला कहने की आदत है। जहां कहीं भी ये अल्फाज सुनो, समझ लेना कि हमारे हुजूर आला वही। इसका मकसद क्या है, इसके मंसूबे क्या है, ये जब तक सब कुछ सामने नहीं आ जाते, तब तक इस जायदाद का बंटवारा करके अब्बू बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं भाईजान, कि हम में से कोई एक है जो हुजूरे आला है? हम में से कोई एक है जो हुजूरे आला बनकर चाले चल रहा है? देखो असगर, जो पर्दे में है उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये पर्दा खुलेगा, बहुत जल्द खुलेगा। फरहत अगर परेशानी में है तो उसे कहो कि थोड़ा सा सब्र से काम ले। बस भूख सब्र नहीं करती भाईजान, जरूरतें सब्र नहीं करती। जिसकी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, सिर्फ हमारे कह देने से फरहत की जरूरतें पूरी नहीं हो जाएंगी और ये मामला कभी सुलझ नहीं पाएगा। बाकी अबू जान की मर्जी। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। आइए मैडम। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? है कौन मैडम वो? जब से हमने उसे गिरफ्तार किया तब से उसने हमें परेशान करके रख दिया है। कहता है कि बस दुर्गा देवी जी से फोन पर बात कराओ। लेकिन रात को हम आपको कैसे फोन करते? पूरे थाने को उसने सर पे उठा रखा है। लेकिन उसने किया क्या है? उसे हमने ऐसी जगह गिरफ्तार किया जहाँ शरीफ लोग नहीं जाते, अय्याशी के जुर्म में गिरफ्तार किया। समझ में नहीं आता कि ऐसा इंसान आपको कैसे अपना रिश्तेदार बता रहा है। उसके इसी दावे की वजह से हमने उसको हाथ तक नहीं लगाया। क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बुलाओ उन्हें। मैडम उसके पास लेके जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर।
ना तुम खुद चैन से रहोगे और ना ही मुझे चैन से रहने दोगे। क्या करूं? मैं तो ऐसा ही। लेकिन भाई वाह, मजा आ गया तुम्हारा रुतबा देखकर। ये लोग मुझे पकड़ के तो यहां तक ले आए, लेकिन जैसे ही मैंने इन्हें बताया कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे छू भी सके। मैं पूछती हूँ, क्यों मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो तुम? नहीं, नहीं, तुम्हारी इज्जत इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इज्जत है तुम्हारी। क्या नाम कमाया है तुमने! इतनी आसानी से तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में थोड़ी मिलने दूंगा। बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरा चैन सुकून सब खराब होता जा रहा है। नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे सुख और चैन का ख्याल नहीं रखता। सुनो दुर्गा, मैंने इनमें से किसी को नहीं बताया कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। मैंने बस इन्हें इतना बताया है कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार, दूर का, मजबूर था ना, कहना पड़ा, मरता क्या ना करता। बहुत बुरे इंसान हो तुम। तुम्हें तो पता है दुर्गा, मैं तो ऐसा है, लेकिन तुम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दुर्गा, तुमने ये तो सुना ही होगा कि अच्छाई और बुराई का चोली दामन का साथ है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनका सदियों पुराना रिश्ता है। तुम अच्छी, मैं बुरा, दोनों साथ साथ चले, बिल्कुल पैरेलल। तुम ऐसी जगह पर क्यों कहते हैं? दुर्गा, तुम्हें तो पता है कि मैं तो ऐसा ही हूं। सुनो, जाते जाते जमानत जरूर करवा दीजिएगा दुर्गा देवी जी, नहीं तो आपको तो पता ही है कि मैं तो ऐसा ही हूं। मेरा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारी इज्जत बचेगी नहीं। कम से कम मेरे लिए ना सही, अपने कमाए हुए नाम के लिए, अपनी इज्जत के लिए मेरी जमानत जरूर करवा दीजिएगा। प्लीज अपनी जुबान बंद रखना, बहुत ही जल्द तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। उस इंसान की जमानत ले रही है जिसका नाम का पता है ना घर का। इंस्पेक्टर साहब, उसे ये उम्मीद थी कि मैं उसे जमानत जरूर दिलवाऊंगी, इसलिए उसने आपसे फोन करवाया था। और वैसे भी उम्मीदें किसी की भी नहीं टूटनी चाहिए। इतनी ही देर में मैंने उसे समझ लिया है कि वो ऐसा शख्स नहीं है कि उस पर रहम किया जा सके। क्या वो आपका वाकई रिश्तेदार है? इंस्पेक्टर साहब, इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो मुझे अपना समझते हैं, क्योंकि उनके साथ इंसानियत का रिश्ता है मेरा। मैंने लोगों की मदद की, उनका साथ दिया है, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। यानी आपने उसकी कभी मदद की होगी, बस इसी बिना पर वो आपको अपना रिश्तेदार कहने लगा? ऐसे लोगों को मुंह लगाना ठीक नहीं है मैडम। भाई, आपका नाम लेकर वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जमानत के कागजात साइन कर दिए हैं, उसे छोड़ दीजिए। मैं तो उसे छोड़ दूंगा, लेकिन कल फिर पकड़ा गया तो? देखिए, ऐसे लोगों की आदतें बिगड़ जाती हैं, सुधरती नहीं है। ये आदमी दोबारा फिर वही गलती करेगा। इस आदमी को ना ही इस बात की शर्मिंदगी है और ना ही इसके चेहरे पे कोई डर है। जाने दीजिए ना, उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा, मैं चलती हूं। नमस्ते। शमा जलती है, पिघलती है, जमाने के लिए।
शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। उन्होंने वो किताब देखकर मुझे हुजूर आला समझ लिया। वो किताब मुझे बड़े अबू ने दी थी, तो क्या मैं ये समझू कि हुजूर आला बड़े अबू है? जहां तक मैं देख रहा हूं शायद तुम नहीं देख पा रहे। मैंने अबू को भी यही बात समझाई कि ये हुजूर आला हम निवाला हम प्याला हमारे बीच का ही। जानना चाहती हूँ हमारे हुजूर आला कौन है? बता दो। खैर इतना बता देता हूँ कि हमारे हुजूर आला हर बात में हुजूर आला हम निवाला हम प्याला कहने की आदत है। जहां कहीं भी ये अल्फाज सुनो समझ लेना कि हमारे हुजूर आला वही। कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रुको। चाचा जी, लेकिन वो घुटने हमें मार देना चाहते हैं। हेलो हेलो शमा। चाचा जान। शमा। चाचा जान। या अल्लाह, हम ये क्या सोच रहे हैं? कहीं हमारा शक सही तो नहीं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? चाचा जान और हुजूर आला, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन जब हमने उस टेलीफोन बूथ में आकर अकबर चाचा जान को फोन किया था और अचानक ही फोन कट गया था। चाचा जान, ये फोन एंगेज क्यों आ रहा है? फोन उठाओ गुलाम, फोन उठाओ। जी मेरा बेवकूफ, नहीं मिली ना क्षमा अभी तक तुम लोगों को? दोबारा जब मैंने फोन लगाया तो चाचा जान का मोबाइल एंगेज था, यानी चाचा जान किसी और से बातें कर रहे थे और हमें मजबूरन असगर चाचा जान को फोन करना पड़ा। वो गुंडे हमें मार देना चाहते। नहीं नहीं शमा, तुम रो मत शमा, मैं फौरन वहां पे पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं वहां पर, तुम फिक्र मत करो। और अभी हम बात कर ही रहे थे कि गुलाम वहां पहुंच गया। उसे कैसे पता लगा कि हम उसी टेलीफोन बूथ में मौजूद हैं? या अल्लाह, जो बातें सामने आई है उससे शक तो होता है, खुदा जाने की हकीकत क्या है, लेकिन इस हकीकत तक पहुंचने की कोशिश हमें करनी ही होगी। इस हकीकत को सामने लाने की कोशिश हमें करनी ही होगी, लेकिन कैसे कैसे ये हकीकत सामने आ सकती है? कैसे? चाचा जान के सामने हमें झूठ का सहारा लेना होगा, हमें भी नाटक खेलना होगा। या अल्लाह, हमें माफ करना, हम चाचा जान के सामने अब ये झूठ का नाटक करेंगे और देखेंगे कि हमारा शक सही है या गलत। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। बहुत बड़ी इज्जत है तुम्हारी, क्या नाम कमाया है तुमने। इतनी आसानी से तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में थोड़ी मिलने दूंगा। माँ माँ, आखिर बात क्या है? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आप गहरी सोच में रहती हैं, परेशान रहती हैं। नहीं तो नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, कोई बात तो जरूर है। आज तक मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। वो दूसरों की परेशानियां हैं,
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं पार्लर जा रही हूँ, लौटने में देर हो जाएगी। क्या बात है ऋषि, बहू तुमसे नाराज है क्या? नहीं माँ, नहीं। देखो बेटा, पति पत्नी के आपसी रिश्तों से घर बनता है। एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। आप ठीक कहती है माँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पल्लवी को समझ कर भी नहीं समझ पाया। तो तुम्हें समझना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, ये नाराजगी अच्छी नहीं है। जाने दो ना माँ। माँ, आप पुलिस स्टेशन गई थी, क्या हुआ वहां पर? वो कौन आदमी है जो अपने आप को हमारा रिश्तेदार कह रहा है? मैंने तुम्हें समझाया ना बेटा, ऐसे कई लोग हैं जो हमें अपना समझते हैं। नहीं माँ, लेकिन ऐसे अपने आप को हमारा रिश्तेदार कहने का मतलब क्या होता है? उसने खुद को हमारा रिश्तेदार सिर्फ इसलिए कह दिया होगा कि ताकि वो पुलिस की ज्यादती से बच सके। बस एक छोटा सा केस था, फिलहाल मैंने उसे जमानत दिला दी है। आप मुझे समझाने की कोशिश नहीं करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इस मसले को समझ ही नहीं रही हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते? फरहत ने चाहे हमारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन आज उसे गलती का एहसास है, और आज अगर वो परेशानी में है तो क्या? मैं अब्बू से ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो उसका हक उसे ना दे, लेकिन आप समझिए कि ये वक्त बंटवारे का नहीं है। ठीक है, बंटवारा ना सही, लेकिन फरहत की मदद तो की जा सकती है ना। आप क्यों इस मसले को बढ़ाना चाहती हैं बेटा? बेहतर यही होगा कि आप इस मसले पर खामोश ही रहें। मैं अब्बू को इस फैसले पर मजबूर नहीं करना चाहता। जब तक सारे मामलों का खुलासा नहीं हो जाता, कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। जब से मैंने फरहत के बारे में सुना है तो मैं परेशान हूँ। मैं फरहत से मिलकर आती हूँ अभी। इस वक्त? हाँ, क्या हुआ? घंटे दो घंटे में वापस आ जाऊंगी और उसे समझा भी दूंगी कि वो इंतजार करे, तब तक जब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो जाता। चाची जान, इस मामले का खुलासा अब जल्द ही हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि इस मामले का खुलासा आज ही हो जाए कि इन सब साजिशों के पीछे किसका हाथ है। वो हुजूरे आला कौन? हुजूरे आला कौन? हुजूरे आला कौन? अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए, शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए, शमा जलती है।